नमस्कार, EMS TV में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और आइए नजर डाल लेते हैं छिंदवाड़ा से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और जिले के सांसद कमलनाथ ने शनिवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बापू जगमोहन लाल श्रीवास्तव की प्रतिमा के अनावरण की आधारशिला रखी। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम महापौर कांता योगेश वारंग ने की। वहीं विशेष अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता दीपक सक्सेना सहित अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जिले के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर वेद प्रकाश आज जबलपुर एक्सप्रेस के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विषयों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारा जिला कॉर्न प्रोडक्शन के लिए मध्य प्रदेश को लीड करता है। एक तिहाई रकबा अकेले छिंदवाड़ा प्रोडक्शन करता है। भविष्य में इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, जिसको देखते हुए आगामी 21 और 22 सितंबर को जिले में कॉर्न फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कॉर्न फूड प्रोडक्शन को लेकर जो काम कर रहे हैं और कॉर्न से संबंधित सभी किसान और क्षेत्र में रिसर्च कर रहे सभी लोग एक साथ इस फेस्टिवल में शामिल होंगे। कॉर्न प्रोडक्शन के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश को लीड करता है। एक तिहाई रकबा और लगभग उतना ही प्रोडक्शन अकेले छिंदवाड़ा जिला करता है और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। और संभावना इसलिए बढ़ जाती है, यहाँ के किसान बहुत प्रोग्रेसिव हैं और वो इस ज़िले की पहचान है। इस दृष्टि से 21-22 सितंबर को एक कॉर्न फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कॉर्न से जुड़ा हुआ प्रोग्रेसिव किसान, कॉर्न और मेज के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले जो इंस्टीट्यूशन है देश के, वो आएंगे। कॉर्न के जो प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल, उसके लोग आएंगे। कॉर्न फूड प्रोसेसिंग को लेकर जो काम हो रहा है देश में, ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स वाले आएंगे। तो सभी मिलके आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे और कैसे हम कॉर्न को लेके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को मजबूत कर सकते हैं इस ज़िले में, और एक बड़ा बेस कॉर्न को लेके भी बन सकता है। आज छिंदवाड़ा में 108 एम्बुलेंस में कार्यरत डॉक्टर्स को उन्नत तकनीकी और एडवांस लाइफ केयर की ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद सभी डॉक्टर्स और स्टाफ की लिखित परीक्षा भी आयोजित हुई। नए आरटीए के तहत मेरा हुआ है, तो उस पेशेंट को हम क्या करेंगे, फिर एडजस्ट पैकेट नहीं करेंगे, उसमें या ओपन करेंगे, क्या करना है, क्या करना है। आज छिंदवाड़ा में पीटीएस की 8वीं वाहिनी के 264 नव आरक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कोतवाली थाने का भ्रमण कराया गया। इस दौरान उन्हें थाने से संबंधित कामकाज की जानकारी दी गई, साथ ही उन्होंने कोतवाली थाने का भ्रमण कर थाने की कार्यप्रणाली को बारीकी से समझा। स्थानीय दशहरा मैदान में हरिहर मिलन समिति द्वारा भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज 1008 हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, साथ ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना की गई। इस बुलेटिन फ्लाइट नहीं, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएसटीवी। नमस्कार।